हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे भारत में प्रथम, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया मेल एंड फीमेल, यानी कि भारत में प्रथम मेल और फीमेल जो कि मिनिस्टर रह चुके हैं, IAS या पुरस्कार विजेता, यानी कि नोबल पुरस्कार मिला हो, पद्मश्री मिला हो, पद्मभूषण मिला हो, या भारत रत्न से पहले जिन्हें सम्मानित सबसे पहले सम्मानित किया गया हो विज्ञान, खेल, रक्षा, साहित्य में, उन प्रथम भारतीयों से रिलेटेड MCQs को डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें टॉप 40+ MCQs हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, मुझे कमेंट भी करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के पहले राष्ट्रपति यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली उसके बाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन बने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या है, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। भारत का पहला उपराष्ट्रपति यानी कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, गोपाल स्वरूप पाठक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला प्रधानमंत्री यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे आफ्टर इंडिपेंडेंसी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ बलदेव सिंह, जनरल राजेंद्र सिंह जी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या जॉन मिथाई। तो राइट आंसर आपका क्या है, वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सारे, इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। विद इन 10 मिनट्स आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार इस वीडियो इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो भारत का पहला रेल मंत्री यानी कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, ललित नारायण मिश्र, बंसीलाल या जॉन मिथाई। तो राइट आंसर आपका है डी, जॉन मिथाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है, सरदार बलदेव सिंह, कैलाश नाथ काटजू, इंदिरा गांधी या जगजीवन राम। तो राइट आंसर है आपका ए, सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट है, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, आर षणमुगम चेट्टी या प्रणब मुखर्जी। तो राइट आंसर आपका क्या है, चेट्टी, ठीक है। नाम बहुत टफ है इनका बट याद रख लीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, गुलजारी लाल नंदा या जवाहरलाल नेहरू। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे और पहले विदेश मंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के पहले रक्षा मंत्री सॉरी शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालाचारी। तो राइट आंसर आपका है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंसी, ठीक है, 1947 जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली उसके बाद यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, जीवी मालवंकर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका बी है, सी राजगोपालाचारी, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी, नेक्स्ट है, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, हरिलाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री या मेहरचंद महाजन, बी के मुखर्जी। तो राइट आंसर है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पहले भारत के वो थे हरिलाल जे कानिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, सुकुमार सेन, ठीक है, आर के त्रिवेदी या टी स्वामीनाथन। तो राइट आंसर आपका है
बी सुकुमार सेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन बैंक एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, पीसीएस, यूपीएससी में तो पूछा जा सकता है, लेकिन बैंक एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा फर्स्ट लोकसभा स्पीकर हम कह सकते हैं, ठीक है, जीवी मालवंकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो राइट आंसर आपका है जीवी मालवंकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुषमा सिंह एंड श्रीनिवास राव, राजीव माथुर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका है बी, श्रीनिवास राव। नेक्स्ट, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल, यानी कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, सी के दफ्तरी, जी रामास्वामी, एम सी सेतल वार्ड, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका सी है, एम सी सेतल वार्ड, ठीक है। अटॉर्नी जनरल इट मींस कि इनका वर्क क्या होता है, जितने भी सरकार के जो अकाउंट्स होते हैं ना, उनका लेखा जोखा इन्हीं के पास होता है, ये देखते हैं। सी ए जी जो हम बोलते हैं, सी ए जी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो यही होते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। भारत का पहला मंत्रिमंडल सचिव एन आर पिल्ले, अमित शाह, उमा भारती, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ए, एन आर पिल्ले। भारत का पहला थल सेना अध्यक्ष जनरल आर एन थापर, जनरल राजेंद्र सिंह जी, जनरल के एस थिमिया, ठीक है। तो राइट आंसर है थल सेना अध्यक्ष कौन थे आपके, सॉरी सी नहीं बी, जनरल राजेंद्र सिंह, ठीक है, ये वाले। भारत का पहला वायुसेना अध्यक्ष, यानी कि पहले वायुसेना के अध्यक्ष कौन थे, एयर मार्शल थॉमस एल्महर्स्ट, या एयर मार्शल सर रोनाल्ड चैपमैन, एयर मार्शल सर जेरॉल्ड गिब्स, या एयर मार्शल एस मुखर्जी। तो राइट आंसर आपका ए है। भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सर मार्क पीजे, ठीक है, नौसेना के अध्यक्ष कौन थे, वाइस एडमिरल आर डी कटारी, या रियल एडमिरल जे टी एस हॉल, या एडमिरल ए के चटर्जी। तो राइट आंसर आपका है सी, रियल एडमिरल जे टी एस हॉल, ठीक है। भारत में प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पद्धा बंदोपाध्याय, तेजस्विनी सावंत, सरोजनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ए है, पद्धा बंदोपाध्याय, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तेजस्विनी सावंत, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिभा पाटिल जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, और इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है, ठीक है। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, किरण बेदी, मीरा कुमार, या इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है, किरण बेदी जी जो कि पहली आईपीएस ऑफिसर थी, महिला आईपीएस ऑफिसर हम कह सकते हैं, ठीक है, मीरा कुमार जो कि पहली लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, आनंदीबेन जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका बी, सरोजिनी नायडू, ठीक है। भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, मायावती, सुचेता कृपलानी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, और पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो पहली लोकसभा कि जो महिला अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमार, ठीक है। भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, कमलजीत सिद्धू संधु, सुचिता कृपलानी, रजिया बेगम, या बछेंद्री पाल। तो राइट आंसर है कमलजीत संधु, ठीक है, और बछेंद्री पाल वो थी जो कि पहली माउंटेनर थी, यानी कि पहली महिला माउंटेन, भारतीय महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, वो थी बछेंद्री पाल। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो कि बछेंद्री पाल।
सर्वोच्च न्यायालय में पहली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीवी या कर्णम मल्लेश्वरी? तो राइट आंसर है आपका सी, एम फातिमा बीवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड डिफरिन, लॉर्ड लिंटन? तो राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हरिगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमृत सेन या रविंद्रनाथ टैगोर? तो नोबल पुरस्कार जिन्हें मिला था वो थे पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोजशाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? तो राइट आंसर आपका ए है, ब्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या अन्य? तो राइट आंसर है राकेश शर्मा और कल्पना चावला, जो कि भारतीय मूल की पहली महिला थी जो कि अंतरिक्ष पे गई थी। ठीक है, सुनीता विलियम भी जो कि इंडियन अमेरिकन थी, अंतरिक्ष पे गई थी जाकर के, वहां पर रह करके सबसे लंबे समय तक रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था महिलाओं में, और वापस इंडिया, वापस धरती पृथ्वी पर आ गई थी सही सलामत। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली कल्पना चावला जी की डेथ हो गई थी, वो नहीं, उनका जो प्लेन था वो लैंड नहीं कर पाया था पृथ्वी पर, धरती पर। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तारा चेरियन, विमला देवी, रानी कौशल, धर्मशक्तु या डॉक्टर अमृता पटेल? तो राइट आंसर है रानी कौशल, धर्मशक्तु। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, पुडलिंक या भीष्म प्रतिज्ञा? तो राइट आंसर है ए, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता, यानी कि भारत में सबसे पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला था, किसने जीता था? सत्यजीत रॉय, भानु अथैया, रविंद्रनाथ टैगोर या किरण बेदी? तो राइट आंसर आपका ए है, सत्यजीत रॉय। ठीक है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, यानी कि फिजिक्स में जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वो कौन थे? सीवी रमन, जे.जे. थॉमसन, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा? तो राइट आंसर है आपका सीवी रमन। चिकित्सा में जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वो पहले भारतीय कौन थे? वो थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अब वीडियो का एंड तक देखिएगा, इसमें और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अर्थशास्त्र में जिन्हें पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था, किस पहले भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? रविंद्रनाथ टैगोर, अमृत सेन, वेंकटरामन राधाकृष्णन या अन्य? तो राइट आंसर है बी, अमृत सेन। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी या सरोजिनी नायडू? तो मदर टेरेसा जो कि पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? श्रीमती पीके गैसिया, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती बछेंद्री पाल, सुश्री सुष्मिता सेन? तो राइट आंसर आपका क्या है? बी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? ममता बनर्जी, प्रेमा माथुर, कादम्बिनी गांगुली, अन्य? तो राइट आंसर है आपका सी, कादम्बिनी गांगुली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? देविका रानी, दादा साहेब फाल्के, ल्यूमियर ब्रदर्स, अन्य? तो राइट आंसर आपका बी, दादा साहेब फाल्के को। ठीक है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? व्लादिमीर क्रेमनिक, मीर सुल्तान खान, विश्वनाथन आनंद या दिव्येदु बरुआ? तो राइट आंसर आपका क्या है? सी, विश्वनाथन आनंद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश की, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है, जो कि द ह्यूग नीदरलैंड में है, जिसका हेडक्वार्टर वहाँ पे सिचुएटेड है, तो वहाँ पे पहले भारतीय जो कि इंटरनेशनल लेवल पर नियुक्ति किए गए थे एज अ न्यायाधीश, तो वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जीवी मालवंकर, जगदीश चंद्र बसु और के नारायण? तो राइट आंसर आपका है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? मिथाली राज, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा, पूनम यादव? तो राइट आंसर आपका क्या है? मिथाली राज। भारत के प्रथम वायसराय सर जॉन शोर,
लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या अर्ल कॉर्नवालिस। तो राइट आंसर आपका क्या है, बी लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड स्टे होम स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।